पत्नी की हत्या करके शव शमशान घाट में जलाए जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी पति जेठ व एक अन्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे पति दलवीर सिंह को उम्र कैद व 25,000 रुपये जुर्माना की सजा दी है। वही सबूत मिटाने पर जेठ लखविंदर सिंह व गोपाल को 3-3 साल की कैद व 5,000 रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में सदर सिरसा पुलिस ने 3 अप्रैल 2018 को केस दर्ज किया था। मामले में 2 अन्य आरोपी भी थे लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं थे जिसकी वजह से उनको बरी कर दिया गया है। सिरसा शहर के वार्ड नंबर 18 से एक नाबालिग युवती का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि गत दिवस उनकी बेटी घर से बाहर गई हुई थी। इस दौरान MP निवासी रोहित नामक युवक ने उसका अपहरण कर लिया। घर वालों ने अपने तौर पर बेटी की तलाश शुरू की लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। इसके बाद शहर थाना के अंदर जाकर आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की जांच SI राजवीर को सौंपी गई है। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। जांच अधिकारी का कहना है कि जल्द ही नाबालिग की तलाश कर ली जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर परिषद सिरसा की प्रधान शीला सहगल को मिले सटे को शुक्रवार सुबह खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ शीला सहगल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सटे हासिल किया था। सटे खारिज होने के बाद अब सिरसा नगर परिषद का नया प्रधान चुनने का रास्ता साफ हो गया है। यह बता दें कि सिरसा नगर परिषद के चुनाव 25 सितंबर 2016 को हुए थे। इसके बाद प्रधान पद के लिए चुनाव हुआ जिसमें भाजपा 2 गुट में बंट गई। राहुल सेतिया समर्थित शीला सहगल 12 दिसंबर 2016 को 1 वोट के अंतर से जीत हासिल कर प्रधान चुनी गई थी। इसके बाद पार्षदों ने विकास कार्य को लेकर कई बार प्रधान के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। पार्षदों का आरोप था कि प्रधान शीला सहगल समान रूप से शहर के विकास कार्य नहीं करवा रही है। CM विंडो पर आने वाली समस्याएं या शिकायतों का निपटान 15 दिन के अंदर तुरंत प्रभाव से किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह बात शुक्रवार को उपायुक्त अशोक गर्ग ने स्थानीय पंचायत भवन में CM विंडो व मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि CM विंडो पर आई शिकायतों का निपटान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतें लंबे समय से CM विंडो पर लंबित है, उनका निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सिरसा जिला पुलिस की नशा मुक्त समाज मुहिम के तहत एलनाबाद के DSP जगदीश काजला ने रानिया क्षेत्र के गांव बणी में ग्रामीणों की बैठक लेते हुए नशे के खिलाफ जागरूक किया। वहीं कालांवाली के DSP नरसिंह ने बड्डागुड़ा थाना परिसर क्षेत्र में मौजूद लोगों की बैठक लेकर नशे के खिलाफ मुहिम में अपना सहयोग देने की अपील की। दोनों DSP ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और इस बुराई को समाज से मिटाने के लिए आमजन का सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है परंतु इस मुहिम की 100% सफलता के लिए जन सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस का सहयोग करें। नशा बेचने वालों के खिलाफ बेखौफ होकर पुलिस को शिकायत दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। चौपटा खंड के गांव नाथूसरी कलां की ग्राम पंचायत पर गांव के कुछ लोगों ने विकास कार्यों में धांधली के आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन DC सिरसा को दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अंदर पंचायती राज विभाग की तरफ से गांव की ग्राम पंचायत ने 10 इंच की पाइपलाइन डाली थी और इस पाइपलाइन में काफ़ी अनियमितता एवं धांधली बरती गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4-4 फुट के गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गांव के अंदर महिला शौचालय भी सरकारी गबन उसमें किया गया है, काफ़ी अनियमितता उसमें बरती गई है, साफ़ सफाई वहां पे नहीं रखी जाती है। ग्रामीणों ने उक्त आरोप DC सिरसा को लगाते हुए मामले की जांच के अपील की है।